राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। आसमान गिरा। एक खरगोश था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम्म। खरगोश उठ गया, वो बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबके पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला,
आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा था, सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चल कर देखें। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सब ने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम्म, खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही था तुम्हारा आसमान। लो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। आसमान गिरा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमंद अली खां, नीतू झांझी, चंदन कुमार और मिताली। ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।